तो दोस्तों कहते हैं जिस बच्चे पर पिता का साया नहीं होता उस बच्चे को देख सकते दोस्तों। और यहाँ उनकी बेटी है, ये बेटा है और एक बेटा और है ना, बेटी बेटी मतलब और बेटी है और बेटी है दोस्तों। और ये मामला है हमारे गांव का, जो कि हमारे नाना लगते थे, वो जो है आज लगभग करीबन कितने दिन से गायब हुए हैं, तीसरा महीना हो गया है गायब हो चुके हैं। और काफी ज्यादा खोजबीन हुआ तो पता नहीं चला। लास्ट ऑप्शन है जो कि कानून का सहारा और सोशल मीडिया का सहारा। तो दोस्तों बहुत से आप लोग कंट्रोवर्सी में करते हैं, तो आज इनके भी खोजने के लिए इनके पति को सपोर्ट करिए। और देखिए ये फोटो में जो दिख रहे हैं ये हैं, और इनका नाम है क्या, दर्शन नाम है ना, दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। और जो हाइट है हमसे बहुत छोटी है और मोटे से है। और अभी दोस्तों इनको एक बार देखिए, कहीं भी दिखे इनको तो आप लोग जरूर संपर्क करिएगा और जानकारी लेते हैं थोड़ा कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे का भाई हेरा गए ने का भाई। ना जो हम एक साथ में 6 महीने रहे फिर कमा के नहीं दे रहे थे, फिर हमारी लड़की टाइफाइड बुखार हो गया और मेरा भी तबीयत खराब हो गया, इसीलिए हम कहे अपने बहन के पास जाएंगे, फिर कहे कि हम नहीं कमाएंगे तो हम कैसे देंगे, फिर हम जब कहे दवाई कराने के लिए कहे हम मर जाएंगे जहर खा करके, हम कहा पैसे ले आए, फिर एक आदमी बुलाए, फिर हम 2000 रुपए ले तो उसी में खर्चा चला रहे थे। तो जैसे जो आदमी था वो उसके बाद वो कहाँ गए, फिर हम तबीयत खराब हो गया, मैं चला गया अपने बहन के पास, फिर हमने ड्यूटी खोज लिया, फिर मिलने आए होली के दिन, फिर कहे तुमने क्यों मिले नहीं आए, कहा कि हमारे कोई नहीं है, मैं अकेला खाऊंगा रहूंगा, मतलब वो बोले हाँ शराब में मुझे दारू मुर्गा मिले बस मैं वहीं से खाऊंगा रहूंगा, मेरे बच्चे उच्चे कोई नहीं है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे पैसे मांगे, मैंने पैसे दिया, मोबाइल दिया, कहा बात करेंगे तुमसे, हम कहे ठीक है, फिर हमें पास में ले जा रहे थे, फिर वो टेम्पो में से उतर के चले गए, कहे हम कल आएंगे, तब से आए नहीं। अच्छा मतलब पास में ले जा रहे थे अपने पास, अपने पास ले जा रहे थे, फिर टेम्पो में से उतर के चले गए, टेम्पो में से उतर के चले गए, कल आएंगे, उसके बाद आए नहीं, उसके बाद आए नहीं। ये कहाँ से हुए हैं ऐसा, सोना से, मतलब दिल्ली से, हाँ दिल्ली सोना, तो वहाँ वो क्या करते थे, ऐसे ही रोजगार करते थे, कहीं मिल जाता था करते थे, नहीं तो रूम पे बैठते थे। तो दोस्तों देख सकते हैं, और वहाँ से लगभग 3 महीने से तो पहले जब निकले तो आपको नहीं पता था कि गए हुए हैं, नहीं फिर हमने जब भेंट करे गया तो पता चला कि सब लोग कहे, मैंने पूछताछ बहुत किया, सब कहे कि वो चले गए। अच्छा वहाँ से चले गए, हाँ वहाँ से सब सामान वही है, बैग सब वही, वकील कह रहे सब। अच्छा मतलब सामान सब हर चीज है, खाली वही नहीं, वही नहीं है। नहीं एक बार सुनने में आया था कि जैसे अभी देखिए हम भी सुने हैं, उड़ते उड़ते खबर आया कि वो अब है ही नहीं से लोग कहते हैं, हाँ, भी सुने सुनी है, तो सोखा उखा के यहाँ दिखवाए की नहीं, हाँ दिखवाए, तो क्या बोले हैं सब, आधा सोखा लोग कहते हैं कि है, हमसे दारू मुर्गा से जरूरत है बस, वो खा रहे पी रहे बस। तो दोस्तों ये चीज है कि देखिए अब अंधविश्वास भी इतना है कि कोई विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका पति गायब हुआ है और जिस बच्चे का पिता गायब हुआ है उनसे पूछिए हाल क्या होता है, कि एक बाप के न रहने से आज लाख गलती पति करे, लाख गलती पिता करे, फिर भी पिता के न रहने पे बच्चों का और पति के रहने पे पत्नी का जो हाल होता है देख सकते हैं। करोड़ों रुपए पत्नी कमाए, लाखों रुपए कमाए, उससे नहीं मतलब होता है, लेकिन यदि बच्चे के सर से बाप का साया उठ जाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, बच्चे का फेस देख के पता चल जाता है कि इस बच्चे के पिता नहीं। और बताना चाहता हूँ इनका दोस्तों, मैं फोटो लगा दिया हूँ उसके बाद और जानकारी भी दे दी हूँ, इस गांव से हैं, तो अगर कहीं भी दोस्तों मिलते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर है उस पे इनका फोटो भेज के व्हाट्सअप करें ताकि पता चले, मेरा पर्सनल नंबर है जिस पे ओनली व्हाट्सअप चलता है। तो सिर्फ दोस्तों अगर इनको आप पाते हैं तो आप लोगों से प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस नंबर पे इनका फोटो खींच के आप लोग व्हाट्सअप करें, यदि मिलते कहीं भी, और मिलने अगर दोस्तों मिलेंगे तो हमारे तरफ से उन भाई को कुछ ना कुछ दिया जाएगा इनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इस पत्नी का क्या हालत है, इस बच्चे का क्या हालत है। बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस तरह इनके साथ हुआ, भगवान न करे किसी के साथ हो, बस यही कहना चाहता हूँ, इनको आप लोग जरूर खोजिए। धन्यवाद।